नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और वीकेंड छुट्टियों के बाद हमारी वर्कशीट पूरा आ चुकी है। तो आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी के बच्चों के लिए, कार्यपत्रक 12। और आज की वर्कशीट में हमें प्रत्यय जानना है। तो बच्चों, प्रत्यय के बारे में हम जानते हैं कि जो शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, प्रत्यय पूरा शब्द नहीं होता है, शब्द का एक टुकड़ा होता है, इसीलिए इसे शब्दांश कहा गया है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पन प्रत्यय, पन क्या है? एक शब्द का अंश है और यह प्रत्यय है। तो पन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए, लड़का में अगर पन प्रत्यय लगा तो लड़कपन, बच्चा में लगा तो बचपन, छोटा में लगा तो छुटपन। तो इस तरह से प्रत्यय जुड़ता है और शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के कुछ अर्थ बदल जाते हैं। जैसे इया प्रत्यय, तो इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए डिब्बा से डिबिया, और खाट से खटिया, लोटा से लुटिया। उसी प्रकार है इला प्रत्यय, इला प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं रस से रसीला, चमक से चमकीला, और बर्फ से बर्फीला, गर्व से गर्वीला। तो आपने देख लिया कैसे प्रत्यय का निर्माण होता है और नए शब्द बनते हैं, प्रत्यय लगकर नए शब्दों का निर्माण होता है। अब यहाँ कुछ नीचे आपके लिए दिया गया है कि सितारों में लिखे प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाकर बादलों में लिखे गए हैं। आप भी ऐसे ही उन्हीं प्रत्ययों से नए शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है सबसे पहले कार प्रत्यय। तो कार प्रत्यय से यहाँ एक शब्द बनाया गया है कलाकार। उसके बाद आप कार प्रत्यय से बना सकते हैं पेशकार, पेशकार, और नेक्स्ट है पेशकार के बाद आप इधर और लिख सकते हैं परिष्कार, और फिर आप रथकार भी लिख सकते हो, रथकार। और उसके बाद है इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय से एक और शब्द बनाया गया है धार्मिक। तो आप यहां बना सकते हो कार्मिक, कर्म में एक प्रत्यय लगेगा, कार्मिक हो गया। आप आर्थिक लिख सकते हो, आर्थिक, और फिर मार्मिक। इस तरह से एक प्रत्यय से जुड़े शब्दों को हमने बना लिया। अब नीचे है वान प्रत्यय। तो वान प्रत्यय से भी एक शब्द दिया गया है कारीवान, और उसके बाद आप बना दीजिए धैर्यवान, धैर्यवान हो गया। इधर आप सीलवान बना सकते हो और गुणवान। तो हो गया, आपने देख लिया कि किस तरह से इन प्रत्ययों से नए शब्द बनते हैं। और उसके बाद दार है, तो दार प्रत्यय से यहाँ एक शब्द बना है दुकानदार। तो आप लिख सकते हो रसूखदार, रसूख, दार हो गया। उसके बाद रहनदार भी लिख सकते हो, रहनदार, और फिर सेवादार भी लिख सकते हो, मतलब सेवा करने वाला, समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से प्रत्यय से शब्द बना लिया। और आपने देखा कि प्रत्यय से किस तरह जुड़कर नए शब्द बनते हैं और उनके रथ में सॉरी उनके अर्थ में थोड़ी सी परिवर्तन होती है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।